Good morning, class 2. Open your science book and open page number 50. बच्चों पेज नंबर 50 है आपका विंड जो हमने पढ़ लिया था. इसमें हमने क्या पढ़ा था? विंड हैज डायरेक्शन. जो हवा होती है उसकी एक क्या होती है? दिशा होती है. विंड हैज स्पीड. हवा की क्या होती है? अपनी एक स्पीड होती है, गति होती है. और हमने क्या पढ़ा था इसमें हमने पढ़ा था विंड हैज हमने स्पीड तक ही पढ़ा था शायद. विंड हैज फोर्स आज पढ़ेंगे हम. तो आज हम देखेंगे विंड हैज फोर्स. तो ओपन योर पेज नंबर 51. अब विंड में क्या होती है? फोर्स होती है. फोर्स मतलब आप जानते हो, फोर्स मतलब होता है ताकत. अब कैसे होती है हवा में ताकत कैसे होती है? अब देखिए, रन सम डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ द विंड. रन मतलब होता है दौड़ना. आप क्या करो, जिधर को हवा बह रही है, हवा चल रही है, उस तरफ को आप दौड़ो. ठीक है, एक वो करते हैं हम यहाँ पे कि जब तेज हवा चलती है उस तरफ आप दौड़ो. देन रन सम डिस्टेंस अगेंस्ट द विंड. आप दूसरी तरफ दौड़ो. अगेंस्ट मतलब उल्टा दौड़ो. आप जिस तरफ हवा नहीं बह रही है उस तरफ दौड़ो. व्हाट डू यू फील? आप क्या महसूस करेंगे? यू फील फाइन दैट इज़ अ ईजर टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड. आप महसूस करोगे कि जिस ओर हवा चल रही है उस ओर आप तेज़ी से दौड़ रहे हो. ठीक है, व्हेन यू मूव अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन द विंड पुशेस अगेंस्ट अस. अगर हम क्या करते हैं, हवा के अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन हम उल्टी दिशा में चलेंगे जहां हवा नहीं बह रही होगी, तो उधर क्या लगेगा हमको? क्या लगेगा कि द विंड पुश अगेंस्ट अस. ऐसा लगता है कि हवा क्या कर रही है, हमको धक्का दे रही है. ये किसके कारण होता है? ये होता है फोर्स के कारण. कभी क्या होता है, हम चलते रहते हैं तो इतनी तेज़ हवा लगती है, हम लगता है कि हम हवा से ही हम आगे चल रहे हैं. ऐसा लगता है कि हमें धक्का लग रहा है. ठीक है, इट्स बिकेम डिफ़िकल्ट टू मूव. द फोर्स ऑफ विंड एंड ऑल्सो बी यूजफुल. इट्स कैन मेक थिंग्स मूव. आप देखते हैं कि क्या होता है, इट्स बिकेम डिफ़िकल्ट. द फोर्स ऑफ विंड कैन ऑल्सो बी यूजफुल. जो हवा की जो ताकत होती है वो भी हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है. क्या है ये? जो हमारी फोर्स है हवा की वो हमारे लिए क्या है? यूज़फुल है. इट कैन मेक थिंग्स मूव. अब इससे भी क्या होते हैं, चीज़ें चलती हैं, गति होती है इनमें. अब देखिए कैसे, विंड मेक्स बैलून्स एंड काइट्स फ्लाई इन द एयर. हम क्या देखते हैं, हम गुब्बारों को देखते हैं, और हवा किस में उड़ाते हैं? पतंग और जो गुब्बारे होते हैं वो किस में उड़ाते हैं? हवा में ही उड़ाते हैं. विंड मेक्स थिंग्स मूव. अब क्या होता है, जो हवा होती है वो कैसे गति करती है? विंड्स मेक अ सेलबोट मूव. जो हवा होती है उसमें क्या होती है, जो बोट होती है, सेलबोट होती है, वो भी क्या करती है? चलती है. व्हेन द विंड पुश अगेंस्ट द सेल, इट्स मेक द सेलबोट मूव. जब क्या होती है, हवा होती है वो क्या करती है, धक्का देती है अगेंस्ट, उसके विरुद्ध जो धक्का देता है तो क्या होता है, सेलवुड मूव करती है. विंड मेक्स अ विंड मिल वर्क. और हवा के द्वारा क्या होती है, विंड मिल चलती है. ये देखिए, इसे जो पंचक्की बोलते हैं, जैसे इट इज़ यूज टू पंप वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इस पर क्या होता है, पंप होता है और वाटर होती है, इससे क्या पैदा होती है, बिजली इससे पैदा होती है. नाउ टर्न योर पेज. अब देखिए, विंड मेक्स थिंग्स मूव इट वन डायरेक्शन ओनली. कभी क्या होती है, हवा क्या मूव कैसे करती है, केवल एक ही दिशा में उठती है, गति करती है. व्हेन विंड मूव्स इट हैज अ डायरेक्शन. समटाइम्स विंड ब्लोज फ्रॉम वन डायरेक्शन. जब कभी हवा चलती है तो क्या होता है, कभी हवा एक ही दिशा में चलती है. समटाइम्स इट ब्लोज फ्रॉम अदर डायरेक्शन. कभी क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन ये लेती है, अलग अलग दिशा ये लेती है. इट्स मेक्स थिंग्स मूव इन वन डायरेक्शन ओनली. ये देखिए, आप बैलून को देखोगे, लुक एट द पिक्चर, द क्लोथ स्विंग इन वन डायरेक्शन. हवा आ रही है तो क्या हो रही है, ये जो हमारे पर्दे हों एक ही दिशा में उड़ रहे हैं. द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज गोज इन वन डायरेक्शन. ये देखिए, यहाँ से ये चिमनी से ये धुआं निकल रहा है. ठीक है ना, ये भी क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है. तो इसकी डायरेक्शन देखिए आप,
अ वेदर कॉक इज यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ द विंड. और क्या होता है जो ये होता है वेदर कॉक बोलते हैं इसे, इसे हम क्या बोलते हैं वेदर कॉक. तो ये भी क्या करता है, ये भी विंड की डायरेक्शन बताता है. यानी कि इस पे चार वो होते हैं, क्या होते हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो होते हैं. तो ये भी क्या करता है, ये जब घूमता है तो ये भी क्या बताता है, विंड की डायरेक्शन बताता है. तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि विंड क्या है, विंड में क्या क्या चीज़ें होती है, डायरेक्शन होती है, स्पीड होती है, फोर्स होती है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. कल हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके.